नमस्कार, इंसाफ की आवाज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। झारखंड कैबिनेट में सड़क दुर्घटना में मारे गए मुसाफिरों के परिजनों को 1,00,000 का मुआवजा दिए जाने की घोषणा के बाद राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता के जमशेदपुर पहुंचने पर शहरवासियों ने भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि बन्ना गुप्ता जमशेदपुर पश्चिम के विधायक भी हैं। यही कारण है कि शहर पहुंचने पर उनका जोरदार नागरिक अभिनंदन किया गया। इस दौरान मंत्री बन्ना गुप्ता ने झारखंड के गठबंधन की सरकार के प्रति लोगों की आस्था का हवाला देते हुए यह फैसला लिए जाने की बात कही। वैसे यह सुविधा आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस सुविधा का लाभ हर किसी को मिलेगा। बगैर जात पात लिंग का भेद किए सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को महज कुछ कागजी कार्रवाई के बाद यह सुविधा दी जाएगी। इसके लिए कार्यालयों का चक्कर परिजनों को नहीं काटना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है गठबंधन की, जो सरकार बनी है ये सरकार जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। और जब जनता का शासन होता है तो जन आकांक्षा पूर्ति होती है। और जब कोई आदमी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके परिजन के लिए एक बड़ा धर्म संकट भी है, आर्थिक संकट भी है। तो वैसी परिस्थिति में अभी तक पूरे देश में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने इस तरह की व्यवस्था को कायम किया है कि जो भी दुर्घटना में मृत्यु होगी उसके लिए ना हम एपीएल देखेंगे, ना बीपीएल देखेंगे, न उसके लिए जाति और धर्म देखेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि मृतक के परिजन को मृत्यु के उपरांत एक सहारा स्वरूप, ताकि उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार को जीने के अवसर में दिक्कत ना आए, उसके लिए ये 1,00,000 रुपए उनको आपदा प्रबंधन की तरफ से दिया जाएगा। और इसके लिए उनको बहुत किसी विभाग में दौड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल उनको मृत्यु प्रमाण पत्र और थाना की स्टेशन डायरी की कॉपी देनी होगी और सीधे उसको 1,00,000 रुपए का लाभ होगा। 1,00,000 रुपए उसके परिजन को सहयोग के रूप में दिया जाएगा। इसमें ना कोई उम्र सीमा है, न कोई जात है, न धर्म है, न बड़ा है, न छोटा है। ये हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की सरकार का एक स्पष्ट विजन है जनता के लिए। और इसलिए हम लोगों का एक सोच है कि हम लोग मानवीय दृष्टिकोण पर विचार करते हैं और मानवता कहती है कि जात धर्म से ऊपर उठकर सबका सहयोग करना है। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।